हम देखने जा रहे हैं जो चेकलिस्ट होता है, जो आरसीसी वर्क के लिए, जो आरसीसी वर्क हुआ हमारा उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए। सबसे पहले क्वालिटी एंड साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वेदर द मेटल इज़ ओवर साइज, अंडर साइज और इम्प्रॉपरली ग्रेडेड, वेदर इट कंटेन्स डिसइंटीग्रेटेड सॉफ्ट और फॉरेन मटेरियल। मतलब क्या है, सबसे आपको पहले कोर्स एग्रीगेट का साइज़ देखना है कि ओवर साइज तो नहीं है, अंडर साइज तो नहीं है और इम्प्रॉपरली ग्रेडेड तो नहीं है। मतलब उनका साइज़ कैसा है, इरेगुलर है कि एंगुलर है कि सर्कुलर है। मतलब ज़्यादातर एंगुलर एग्रीगेट ही यूज़ होते हैं। अब सेकेंड पॉइंट है क्वालिटी ऑफ सैंड एंड इट्स ग्रेडिंग, सिल्ट कंटेंट एंड वर्केज टू बी सीन। सैंड की क्वालिटी, रेत की क्वालिटी क्या है, किस ग्रेड की रेत है अपनी, उसमें सिल्ट कंटेंट कितना है, ठीक है। फिर वाटर फॉर मिक्सिंग एंड क्यूरिंग, वेदर टेस्टेड फॉर सुटेबिलिटी। वाटर हमारा प्योर होना चाहिए, मतलब उसमें सॉल्ट नहीं होना चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ स्लम, स्लम टेस्ट क्या रिकॉर्ड कर दिया है, मतलब क्यूब टेस्ट में वेदर क्यूब क्यूब टेकन की, मतलब ये टेस्ट हुए कि नहीं। वेदर प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर क्यूरिंग द क्यूब्स फॉर 7 and 20 days आर देयर। कवर ब्लॉक्स एडिक्यूट ऑफ थिकनेस एंड इवननेस एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ कवर प्रोवाइडेड विथ रेफरेंस टू द एक्सपोजर। मतलब कवर ब्लॉक है कि नहीं, वेदर एनी रेनफोर्समेंट एक्सपोज ऑन रिमूवल ऑफ फॉर्म्स, हनी कॉम्बिंग, ठीक है हनी कॉम्बिंग तो नहीं आई, टेस्टिंग ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट बार किस ग्रेड की है, गेज ऑफ बाइंडिंग वायर एंड वेदर इट हैज़ बीन यूज एट इंटरसेक्शंस ऑफ द रेनफोर्समेंट। बाइंडिंग वायर कितना यूज़ हुआ है, यूज़ ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ बाइंडिंग वायर रिजल्ट्स इन लूज टाइंग ऑफ रेनफोर्समेंट केज। अगर अच्छे क्वालिटी का वायर यूज़ नहीं है तो आप उसमें दिक्कत हो जाएगी, मतलब जो हमारी बार बनती है वो लूज़ हो जाएगी। सिमेट्री ऑफ स्टील केज, जो हमारा फुटिंग में स्टील मैश यूज़ होता है उसका सिमेट्री होना चाहिए वो। स्पेसिंग ऑफ हुक्स एंड ओवरलैप्स, वेदर सुटेबली स्टैगर्ड एंड ऑफ रिक्वायर्ड लेंथ। फाइनल फिनिश वर्क क्या है, इन केस ऑफ थिन सेक्शंस वेदर पर्टिकुलर अटेंशन इज गिवन टू मेंटेन क्वालिटी एंड फिनिश, वेदर प्रॉपर थ्रोटिंग एंड ड्रिप माउल्डिंग्स प्रोवाइडेड वेयर वर रिक्वायर्ड, वेदर क्यूरिंग डन प्रॉपरली एंड फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज। क्यूरिंग की गई है कि नहीं और कितने दिन क्यूरिंग की गई है, 7 दिन 8 दिन 15 दिन। वेदर प्रॉपर एक्सपांशन जॉइंट एंड कॉन्ट्रेक्शन जॉइंट प्रोवाइडेड, जहाँ जॉइंट की जरूरत है वहाँ एक्सपांशन जॉइंट और कॉन्ट्रेक्शन जॉइंट दिए हैं कि नहीं। वेदर हैकिंग ऑफ ग्रीन आरसीसी वर्क डन ऑन सर्फेस रिक्वायरिंग प्लास्टरिंग, और जिस सरफेस में हमको प्लास्टरिंग करना है उसमें हैकिंग की गई है कि नहीं। हैकिंग मतलब टांचा मारना होता है जिससे कि प्लास्टर की अच्छी मजबूती बन जाए। वेदर कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स लेफ्ट एट अप्रोप्रिएट एंड प्रीडिटरमाइंड लोकेशंस एंड प्रॉपर कीज लेफ्ट फॉर जॉइनिंग ओल्ड एंड न्यू कॉन्क्रीट, कंस्ट्रक्शन जॉइंट छोड़े गए हैं कि नहीं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में ये देखेंगे कि चेकलिस्ट फॉर पॉइंट्स बिफोर अलाउइंग कॉन्क्रीट पोरिंग। जब हम कॉन्क्रीट पोर करते हैं तो उसमें क्या चेकलिस्ट रिक्वायर होती है। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।